अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास किचन। आज हम बनाएंगे ओट्स हलीम, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 2 तेज़पत्ता ऐड कर लेंगे और कुछ सेकेंड्स के लिए इसे सॉटे कर लेंगे। एक बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे भी डाल देंगे और 2 मिनट्स के लिए सॉटे करेंगे। 250 ग्राम बोनलेस मटन ले लिया है मैंने यहाँ पर, आप चाहे तो चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अच्छे से हमने इसे सॉटे कर लिया है। टमाटर ऐड कर लेंगे, एक बारीक कटा हुआ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ले लिया है, आप चाहे तो हरी मिर्च का पेस्ट भी ले सकते हैं। माँस दाल और चना दाल को भिगा कर रख लिया है, 2 टेबल स्पून ईच है ये, 1 घंटा पहले भिगा लें। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, दाल को ऐड कर देंगे इसमें, हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून। हम इसे अब 4 से 5 सीटी लगाकर गला लेंगे। हरा धनिया ऐड कर लेंगे, पुदीना, 1 ग्लास पानी ऐड कर देंगे इसमें। मिक्स कर लें और मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुकर ओट्स का यूज़ किया है 250 ग्राम, इसे मैंने पानी में सोख कर रख लिया है मटन गलने तक। ये देखिए, मटन अच्छे से गल चुका है, अब हम इसे मैश कर लेंगे, ग्राइंड ना करें। ये देखिए, मैश कर लें इस तरह से, ओट्स इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास का पानी का यूज़ किया है, आप चाहे तो और डाल सकते हैं। और इसे बीच बीच में हिलाते रहें, मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट इसे पका लेंगे हम। ये देखिए, 10 मिनट के बाद इस तरह से ओट्स गल चुके हैं। ये देखें, गरम मसाला 1 टीस्पून, हरा धनिया, धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड कर लेंगे, ऑलरेडी हमने ऐड किया था 1 टेबल स्पून, उस हिसाब से आप ऐड करें। मिक्स कर लें अच्छे से। यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने फ्राई कर रख लिया है, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। मिक्स कर लेंगे, हरा धनिया और पुदीना ऐड कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। नींबू का जूस 1 टेबल स्पून, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। देखें, झटपट से बनकर रेडी हो गई है हलीम, बहुत ही हेल्दी है, ज़रूर ट्राई करें। देखें, घी के साथ या फिर बटर के साथ सर्व करें, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। गार्निश कर लेंगे ऑनियन के साथ, हरा धनिया के साथ और कुछ काजू मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया था, ये देखें ये भी ऐड कर लेंगे। कितनी ज़बरदस्त लग रही है हलीम, बहुत ही हेल्दी है, एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।